टू वॉक माई रोहिणी, कुछ दिन पहले ही मैंने गूगल पे कुछ सर्च करी थी, उस टाइम में कंगना रनौत की पिक्चर आई और उसने जो साड़ी पहनी थी वो कुछ इस तरीके से थी, एकदम एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं थी लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से थी, इसका वर्क कुछ इस तरीके सा ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका लुक को रिक्रिएट करा जाए। दो तीन और साड़ियाँ मैंने देखी और कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये साड़ियों से मैं रिक्रिएट कर सकती हूँ उसके लुक को। रीज़न बिहाइंड दिस वॉज कि मुझे वो एज अ पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी है और मुझे वो एज एन एक्टर भी पसंद है, तो शी इज़ रियल क्वीन ऑफ द बॉलीवुड। चैनल पे क्योंकि मैं बहुत सारी साड़ी वीडियोस लेके आती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में उसके जो साड़ी लुक्स थे वो कुछ आप लोगों के सामने रिक्रिएट करूँ और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगा कि फेस्टिव टाइम आ रहा है, शादी और पार्टीज़ का माहौल आने वाला है, तो फिर ये जो लुक्स हैं वो आप भी रिक्रिएट कर सकते हैं, आप भी वैसे कुछ कर सकते हैं अपने लिए। मेरे लिए तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी था क्योंकि पर्सनली मैं एकदम ऐसे चिप्पे से बाल या फिर एकदम ही ऐसे बाल नहीं करती हूँ, लेकिन आई रियली लव्ड एक्सपेरिमेंटिंग हर लुक्स। तो कैसे ये लुक्स लगे हैं, कैसे लुक्स आए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट लुक गाइज, यहाँ पे मैंने उसका फोटो डाल के रखा है तो आप देखेंगे कि कंगना के फेस इतना फ्लॉलेस दिख रहा है और एकदम ही सटल सा मेकअप करा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा मेकअप बॉडी नहीं करा हुआ है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि हाँ मैं इतनी भी ज़्यादा मेकअप में आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये वाला थोड़ा सा मेकअप में एकदम एग्जैक्टली तो नहीं, इतना फ्लॉलेस हो नहीं सकता क्योंकि उसकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है और मेरी स्किन वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी ही एक्ने इश्यूज इतने आ गए हैं जब मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मुझे बनाना है, उसी टाइम में दो तीन पिंपल्स पॉप अप कर गए कि ये आई एम हियर ये सब बताने के लिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, उसी पे मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप करा हुआ है। सेकेंडली उसके जो आईब्रोज हैं वो मुझे ऐसे ब्राउनिश से लगे, हालांकि मेरे ब्लैक हैं, हो सकता है उसमें कुछ ब्राउन या कलर इफेक्ट कुछ आया होगा, हो सकता है, लेकिन मेरे ओरिजिनली ही ब्लैक हैं तो उनको मैंने वैसे के वैसे ही रखे हैं क्योंकि कुछ मेरी चीज़ भी आनी चाहिए उसमें। तो दूसरी चीज़ उसके जो आई मेकअप है वो भी बहुत सटल है, कुछ नहीं करा है ज़्यादा, हल्का सा स्ट्रोक्स दिए हैं ऐसा मुझे ऐसा परसीव हो रहा है और हल्का सा लाइनर लगाया है, लैशेस भी नहीं है। और उसके जो हेयर स्टाइल है एक बन बनाया हुआ है, मैंने भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन बनाया हुआ है और ऊपर से एक नेट लगाई हुई है ताकि जो से हेयर रहते हैं ना छोटे छोटे हेयर वो बाहर ना आ सके, क्योंकि उसका अगर नीट लुक देखेंगे बालों का तो आपको समझेगा कि उसके बाल भी इसी तरीके से हैं, बिल्कुल भी बेबी हेयर उसके दिख नहीं रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे बेबी हेयर थे तो मैंने उसके ऊपर जेल लगाया हुआ है, एलोवेरा जेल लगाया हुआ है, कोई भी केमिकल वाला जेल नहीं लगाया हुआ है और एलोवेरा जेल लगाया हुआ है और उससे मैंने अपने बालों को थोड़ा सा नीट लुक दिया है। बेबी हेयर जो इधर उधर आते हैं मेरे बहुत ज़्यादा आते हैं और सामने के बाल थोड़े कर्ली हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा जेल लगा हुआ है और उससे थोड़ा सा नीट लुक दिया है मैंने अपने बालों को। और हाँ उसका थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करी हुई है उसने, तो मैंने भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करी हुई है, यहाँ पे मेरे पिंपल्स आए हुए हैं तो हल्का हल्का ही मैंने स्प्रेड करा हुआ है और हल्का सा मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है। और लिप शेड के लिए क्या बताऊँ, एकदम ही खूबसूरत लिप शेड है उसका कि ऐसा लग रहा है कि उसके ओरिजिनल लिप्स हैं, तो उसी हिसाब से मैंने एकदम ही न्यूड लिपस्टिक लगाई है। और जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उनकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने मेबेलिन की लिपस्टिक लगाई हुई है, न्यूड लिपस्टिक, बहुत प्यारा कलर है। इसके बाद में हम आते हैं उसकी ज्वेलरी के पास, तो ज्वेलरी तो इतनी भारी भरकम मेरे पास में थी नहीं, तो इसी तरीके से क्योंकि ये ग्रीन कलर से मैच करता है और उसका जो आप देखेंगे चोकर जो पहना हुआ है ऊपर रेड है और नीचे इसी तरीके से उसका चोकर आया हुआ है, तो ठीक वैसा ही चोकर मैंने अभी यहाँ पे पहना हुआ है। इस चोकर का भी मिंत्रा से मैंने मंगवाया था, तो मिंत्रा का लिंक मैं मेंशन आउट कर दूंगी, वहाँ से आप जाके, बहुत सुंदर चोकर है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अब हम आते हैं साड़ी की तरफ, तो साड़ी जो है एग्जैक्टली तो वैसे नहीं है मेरे पास में, लेकिन बहुत हद तक वही कलर और वही डिज़ाइन मैं बोलूँगी इस पोर्शन में आया हुआ है, जो बॉर्डर पोर्शन है वो तो थोड़ा सा अलग है और जो ब्लाउज़ है वो किसी और साड़ी का मैंने पहना हुआ है, उसके स्लीव्स यहाँ तक हैं लेकिन मेरे स्लीव्स थोड़े यहाँ तक ही थे, इसको मैं कैसे बढ़ाऊँ आप बता दो, नहीं बढ़ा सकती, लेकिन लुक जो है वो काफ़ी हद तक सेम टू सेम लग रहा है, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है ये वाला लुक, देखो इसका फाइनल।
कमिंग टू द सेकेंड लुक, तो ये है मेरा सेकेंड लुक। यहाँ पे जो वो साड़ी पहनी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो ग्लेज है वो साड़ी की कंगना रनौत ने जो पहनी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उससे मिलती जुलती जो साड़ी मिली मुझे, एग्जैक्ट उस कलर की नहीं है लेकिन इस कलर की है, थोड़ी सी सी ग्रीन टाइप की ही है लेकिन थोड़ा ब्लूइश टिंच कम है, लेकिन वैसी ही जो साड़ी मुझे मिली वो मैं यहाँ पे पहन रही हूँ। उसने कुछ पर्ल वाला नेकलेस पहना है तो मैंने यहाँ पर्ल वाला नेकलेस पहना है। यहाँ पे मैं जो उसका पूरा का पूरा जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये समझ पा रही हूँ कि वो कहीं पूजा में गई है, और उसका जो लुक है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। दोनों तरफ से उसने पल्लू लिया हुआ है और जो मेकअप भी किया हुआ है, क्योंकि रात का टाइम है इसलिए थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा हाइलाइट्स जो करे हैं वो उसने ज़्यादा करे हैं। मैं भी अभी नाक के ऊपर हाईलाइट करके आई हूँ और मेरे चीक्स के ऊपर हाईलाइट हैं, और जो उसकी आईज हैं थोड़ी सी ज़्यादा मुझे से ब्राइट से लगे, इसलिए थोड़ा सा जो काजल वाला लुक है वो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। काजल तो नहीं, लाइनर वाला लुक थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और दोनों तरफ से उसने पल्लू लिया है तो ठीक, मैंने भी लिया है। अच्छा हुआ कि उसने दोनों तरफ से पल्लू लिया, क्योंकि ये जो साड़ी है वो मम्मी की साड़ी है, मेरी सास की साड़ी है, तो ब्लाउज मुझे आ नहीं रहा था, तो अच्छा है दोनों तरफ से ही मैंने साड़ी का पल्लू ले लिया है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि ब्लाउज में क्या डिफेक्ट है या फिर वो ओवर साइज है। कैन इस लुक में भी उसने अपने जो बाल हैं उनका बन बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेट करे हैं बाल, उसके जो कर्ल्स हैं वो यहाँ यहाँ से दिख रहे हैं, तो ठीक, मैंने भी थोड़ा सा मेसी सा ही उसका बन बनाया है। साथ में ही मैंने यहाँ पे गजरा लगा लिया है। लिपस्टिक्स जो हैं वो लिप शेड जो है वो पिंक कलर की लिपस्टिक है, बहुत प्यारी लिपस्टिक है, और जो उसके चीक्स हैं वो भी ऐसे ब्लश लगा हुआ है, पिंकिश ब्लश, तो मैंने हल्का सा पिंक ब्लश करा है क्योंकि ऑलरेडी ही चीक्स जो है वो भी मेरे रेड ही हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े मैंने चीक्स पे रेडिशनेस लेके आई हूँ मैं। और हाँ, थोड़ा सा हाईलाइट मारा है उसका, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, मैंने भी थोड़ा सा हाईलाइट नोज एरिया को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। आईज भी उसके एकदम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो कैसा आया है ये लुक, चलिए देख। क्रिएटेड लुक्स ऑफ कंगना रनौत, ज़रूर मुझे बताइएगा कौन सा वाला लुक आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। ये लुक्स आप अपने फेस्टिवल टाइम में भी, पूजा के टाइम में भी रिक्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। फेस्टिवल सीरीज चल रही हैं, बहुत सारे वीडियोज डाल दिए हैं, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।